बायोग्राफी ऑफ महंत नरेंद्र गिरी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने महेंद्र गिरी का बायोग्राफी बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत के एक ऐसे महान संत के विषय में जिन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय समर्पित किया, इस महान संत का जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में अभी तक मतभेद चल रहा है। आज मैं आप लोगों को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोगों ने बिल्कुल सही साझा किया है, हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख संत नरेंद्र गिरी महाराज के विषय में। नरेंद्र गिरी महाराज ने अभी हाल ही में अपने प्राण त्याग कर स्वर्गवासी हो गए हैं। नरेंद्र गिरी महाराज की 20 सितंबर 2021 को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है और इनकी लाश मिलने के बाद लोगों के दिलों में आश्चर्य का भाव पैदा हुआ है। आज हम आप लोगों को नरेंद्र गिरी महाराज के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। तो इनका जन्म स्थान के बारे में अभी भी मतभेद चल रहा है। बात करें अगर इनके पद के बारे में तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख रह चुके हैं और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 2021 को हुई है। जांच के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। बात करें अगर हम कि नरेंद्र गिरी महाराज कौन है, तो नरेंद्र गिरी महाराज भारतीय अखिल अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में अपना अहम योगदान दिया। नरेंद्र गिरी महाराज जी और इस अखाड़े का नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि इन्होंने बहुत सारे शिष्य भी बन गए थे। हम सभी लोगों को पता है कि नरेंद्र गिरी महाराज की जीवन में उनके जन्म को लेकर अभी तक कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। नरेंद्र गिरी महाराज के जन्म को लेकर कई लोग अपना अलग अलग मत प्रदान कर रहे हैं, अतः नरेंद्र गिरी महाराज के जन्म को लेकर अभी भी मतभेद जारी है। बात करें अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में, तो नरेंद्र गिरी महाराज जी की मृत्यु दिनांक 20 सितंबर 2021 को संदिग्ध अवस्था में हो गई। नरेंद्र गिरी महाराज जी का शव इस अवस्था में मिलने के बाद लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि नरेंद्र गिरी महाराज बड़े उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और किसी भी व्यक्ति को ऐसी भी आशंका नहीं थी कि यह आत्महत्या भी कर सकते हैं। उनके चाहने वालों का यह कहना है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी ने इनका खून कर दिया है। बात करें अगर मृत्यु के कारण के बारे में, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी महाराज जी का शव 20 सितंबर को बरामद हुआ है और प्रयागराज में बरामद हुआ है। आश्चर्य बताई जा रही है कि इनकी मृत्यु भी प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में ही हुई है। इतना ही नहीं, इनकी मृत्यु को आत्महत्या बताया जा रहा है, क्योंकि इनके पास 5 पन्ने